इंदौर में हीट एंड रन कानून के विरोध के बाद में जहां एक और हड़ताल देखी गई थी और इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, वहीं हीट एंड रन से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया, जहां चेकिंग के दौरान खड़े एक पुलिसकर्मी पर चार पहिया वाहन चालक ने लापरवाही करते हुए जवान को घायल कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने वाहन चालक का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया है। दरअसल इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में हीट एंड रन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है। घटनाक्रम को लेकर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश डंदुतिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरक्षक के साथ में तमाम पुलिसकर्मी चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी चार पहिया वाहन से एक वाहन चालक तेजी से लापरवाही पूर्वक निकला और उसे रोकने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों ने इशारा भी किया लेकिन वह नहीं रुका और चार पहिया वाहन तेजी और लापरवाही से रिवर्स लेते वक्त मनीष पटेल नामक आरक्षक उसकी चपेट में आ गया, जिसके कारण मनीष पटेल पर गंभीर रूप से वह घायल हो गया है। घायल पुलिसकर्मी को देखकर थाना प्रभारी ने तुरंत हरकत में आए और उसके वाहन के पीछे दौड़ लगा दी। उसके बाद में पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल भी ले जाया गया, इलाज उसका चल रहा है। पूरे मामले में वाहन नंबर के आधार पर वाहन चालक को पकड़ भी लिया गया है। वह एक इंजीनियर है और लसुड़िया का रहने वाला है, जिसका नाम अतुल शर्मा है, जो चार पहिया वाहन लापरवाही से चला रहा था और शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग चल रही थी, रात्रि में चेकिंग चल रही थी। उस समय चेकिंग के दौरान ही एक जो कि व्हाइट कलर की कोई स्पोर्ट्स गाड़ी थी उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने रुका नहीं और उसने रिवर्स डालते हुए पीछे एक कॉन्स्टेबल खड़ा हुआ था उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी और उसने दो तीन जगह और उसने रुका नहीं और भाग गया और दो तीन जगह उसे टक्कर और दी। तो इस पर से थाना लसुड़िया में 308 IPC सेक्शन 353 332 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो लड़का जो कि तेजी से लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था, वो बेसिकली वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसके फादर विशेष गवर्नमेंट डॉक्टर है। कांस्टेबल की स्थिति अभी ठीक है, इसमें कोई खतरे से बाहर है, कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं है उसमें। थाना प्रभारी मौजूद थे वहाँ पर और लगातार चेकिंग चल रही थी, मतलब उसको रोकने का प्रयास किया गया था, जिस पर से इस तरह की घटना हुई है, जिसमें कड़ी बदनामी कार्रवाई की गई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।